माता जी जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है, कहाँ से आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मुंबई से आई हूँ। अरे महाराष्ट्र से राम के दरबार में आई, कब आना हुआ आपका वैसे? मैं आज दोपहर में फ्लाइट से। फ्लाइट से आई है? हाँ। तो ये बताइए, फ्लाइट पावन धाम अयोध्या में उतरी है, वहाँ से यहाँ तक आई है, कैसा रहा ये? बहुत अच्छा, मुझे बिल्कुल आराम से आने को मिला, कहीं भी रुकावट नहीं आई मुझे। इसके साथ आई आप? मेरे दो बच्चे आए। अच्छा, दो भैया जी के साथ में आए। तो आप महाराष्ट्र से ही है? महाराष्ट्र से। तो कब प्लान किया था कि रामलला के दरबार जाना है? और फ्लाइट मिल रही थी मुझे। अच्छा। हाँ, पर थोड़ा विचार करके फिर दोपहर में आए फिर हम लोग। प्लान किया, सुबह टिकट। क्या बात है, मतलब अचानक से आप लोगों की प्लानिंग बनी, आप लोगों ने फ्लाइट चेक किया? मैं मुंबई के जो जवाहर नगर में मंदिर है, मैं वहाँ पे भजन और दर्शन करने गई कि लाइव कार्यक्रम देखूंगी मैं। फिर ये फोन किया, बोले मम्मी अपने को चलना है अयोध्या। हाँ, घंटे ऐसे ऐसे ही इसने मेरे को फोन किया, मम्मी चलना है अयोध्या। मुझे लग रहा है राम जी ने आपको अलर्ट भेजा था कि आ जाओ चुपचाप। दो हफ्ते पहले हम हम्पी भी गए थे। अच्छा। दो तीन हफ्ते पहले वहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थान है। पता नहीं हम यहाँ पे कैसे, मतलब ये अकल्पनीय एक तरीके से कहा जाए। हाँ। तो आप सोच नहीं सकते कि शायद अचानक से कैसे, क्योंकि लोग बहुत दिनों से आने की कोशिश लगे। हमारे जो मंदिर है ना वहाँ पर मुंबई में जहाँ रहते हैं, तो उसमें मैं देखूंगी मैं। पर इसने फोन किया, बोले मम्मी अयोध्या चलना है। तुरंत उसने निकाला टिकट और मैं इधर आ। दर्शन हो गया आपका? नहीं, अभी जाना करेंगे ना। नहीं, अब देखते अभी आप भी मिले, तो थोड़ा सा आज का प्रोग्राम था। ठीक। तो अभी ये बताइए कि कैसा लग रहा पावन धाम अयोध्या में? देखिए दिवाली मनाई जा रही है, 22 तारीख की एक दिवाली तय हो गई है हर साल। लग रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं ना हम्पी में गई थी, वो कटिंग करके रखी थी पेपर की मैंने, तो वो अयोध्या की थी। अरे दिखाने दे, उनको लगेगा कि मैं कितनी भावुक हूँ, मतलब इस राम मंदिर के लिए। तो उसमें अयोध्या का कटिंग मैं काट के लिए आई थी, तो जिस होटल में रुके। हाँ, ये अयोध्या का लिखा है। कहाँ पता, हम कर्नाटक का गए थे जहाँ हनुमान जी का जन्म स्थान है। अच्छा। तो वहाँ पेपर रखा हुआ था मैंने कटिंग करके लिए। क्या बात है। तो फिर अभी यहाँ देखा सूर्य जी का है स्थान लगे हुए हैं। तो मतलब मेरे को बहुत लगाव था अयोध्या से। अच्छा। बहुत लगाव। तो राम की, राम में आपकी भावनाएं है एक तरीके से कहा जाए। राम के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो हमने प्रभु के लिए लड़ा था, 550 वर्षों के बाद हमने ये जीती है लड़ाई, क्या कहेंगी, ये कितना भावुक पल है आपके लिए? बहुत ज्यादा, क्योंकि मुंबई में जब हम लोग रहते थे 92 में जो हुआ था जी, हम जो इसे ये बाहर नहीं निकल सकते थे। कितने दिनों तक हम कितनी मुसीबतें झेली हो, तो आज तो स्वर्ग वाली बातें होगी, मतलब बहुत ही खुशी वाली बात है। लग रहा है ये सनातन की जीत हुई है। सनातन की जीत ये चल रहे हैं। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के? मैंने तो कल कितने भजन हुए मंदिर में, मोदी योगी के नाम से औरतें नाच रही है वहाँ मुंबई में नाच रही है। हाँ, आपको मैं भजन बता सकती हूँ। अच्छा। आप थोड़ा, हाँ भजन वो दिखा सकती हूँ आपको। इतने मोदी और योगी जी के भजन हो रहे हैं और खूब नाच रहे हैं। तो दोनों लोगों ने ये जो काम किया है, क्या कहेंगे, मतलब अद्भुत है। बहुत अद्भुत है, मैं तो बहुत अवतार है मोदी जी अवतार है। कुछ लोगों का कहना है कि वाकई में अवतार है, कुछ लोग कह रहे हैं राम भगवान अगर मोदी है तो लक्ष्मण हनुमान की भूमिका में योगी जी। योगी जी बिल्कुल योगी जी है, सही बात है।